सलमान खान भले ही इस वक्त टाइगर 3 की शूट कर रहे हैं, टाइगर 3 के लिए पॉपुलैरिटी बटोर रहे हैं, लेकिन ऐसी ही एक और टाइगर के नाम से फिल्म थी जिस पर सलमान खान की नजर थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ब्लैक टाइगर की। फिल्म मेकर राजकुमार गुप्ता के साथ सलमान खान बायोपिक प्लान कर रहे थे इंडियन स्पाई रविंद्र कौशिक की लाइफ पर, जिन्हें ब्लैक टाइगर कहा जाता है। लेकिन आखिर क्यों राजकुमार गुप्ता ने रविंद्र की लाइफ पर बन रही इस बायोपिक को शेल्फ कर दिया है, चलिए आपको बताते हैं। आप सभी को बता दूं कि ये प्रोजेक्ट जिसके लिए एक्साइटेड थे काफी ज्यादा सलमान भी और राज भी, इस फिल्म को अब शेल्फ कर दिया गया है। जी हाँ, सोर्सेज के मुताबिक इस फिल्म के लिए सलमान ने जैसे ही सुना था वैसे ही सलमान इस फिल्म के लिए अग्री कर गए थे, और सलमान ने ये तक ऑफर रख दिया था कि मैं इस फिल्म में स्टार तो करूंगा ही लेकिन इस फिल्म को प्रोड्यूस भी करूंगा। लेकिन उसके बाद से 2018 से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब 2022 आ गया है, फिर भी इस पर कोई अपडेट सामने नहीं आ रही है। और रिसेंटली सलमान जो है वो कभी कभी दिवाली से लेकर, पठान से लेकर और कई सारी ऐसी फिल्में हैं, टाइगर 3 है ऑफकोर्स, इन सारी फिल्मों की शूट के लिए काफी ज्यादा बिजी हैं। अब ऐसे में एक क्लोज सोर्स रिवील करते हुए कहते हैं राजकुमार गुप्ता हैज कॉल्ड ऑफ द ब्लैक टाइगर प्रोजेक्ट। जी हाँ, उन्हें शेल्फ कर दिया गया है उस प्रोजेक्ट को। द राइट्स टू अनफोल्ड रविंद्र कौशिक्स इमोशनल एंड रिमार्केबल स्टोरी टू द बिग स्क्रीन दैट ही हैड ब्रॉट 5 years ago from his family has expired now and the filmmaker has not renewed it as it is still he doesn't see the film happening anytime soon. Salman has also shown his apprehension about playing yet another spy where he allegedly already has YRF's biggest spy franchise Tiger in his hand. With no certainty over the film's future, the director finally decided to let go of the rights to Kaushik family. He doesn't want to make this film anymore and has now turned his attention to other projects. उसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो story है, Gupta is now developing a true story based film as well as a web show फॉर स्ट्रीमिंग जायंट। जी हाँ, यानी कि अब वो दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं लेकिन इस फिल्म को शेल्फ कर दिया है। अब आप क्या कहेंगे इस पर, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में।